जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। जैसा कि आप देख रहे हैं, शीतला माता का भरपूर भंडारा पीएफ डिगरोड के ऊपर ये मनाया जा रहा है। इसकी कवरेज के लिए लता रवि यूट्यूब चैनल धार्मिक चैनल है, ये हर जगह पे सबसे पहले हम पहुंचते हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आज का भंडारा विशाल भंडारा है, जिसमें अभी आपको दिखाएंगे कि ध्वजा भी चढ़ेगी और माता का जो है जागरण वो भंडारा प्रसाद भी है और भजन कीर्तन भी चल रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक, पूरी वीडियो देखिएगा। आज हमारे साथ लता जी मौजूद नहीं है क्योंकि लता जी हमारे घर पे मेहमान आ गए थे तो लता जी को रुकना पड़ गया और हम आए हमारे, अब दिखाते हैं आपको कि क्या हो रहा है। आइए साथ जुड़े रहे। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। आज हम मौजूद हैं शीतला माता के मंदिर में। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है माता मैया की छवि का, जो हमने दर्शन करके हमारे भी भाग जग गए। हमें राहुल भाई ने यहाँ पीएफ डिग्रोड पे बुलाया है इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए, तो हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम फर्स्ट टाइम इस डिग्रोड में आए हैं आज कवरेज के लिए, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चियाँ, हमारी माँ बहनें, बेटियां यहाँ सब मौजूद है और विशाल भंडारा चल रहा है, माता के भजन चल रहे हैं। तो हम पूछेंगे कि ये जो भंडारा आयोजन किया जाता है, ये हर साल यहाँ किया जाता है, तो हमारे साथ राहुल मौजूद है, तो हम इनसे पूछते हैं कि ये हर साल किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं और इसमें कितने लोग इनसे जुड़े हुए हैं। जय श्री राम, जय माता की। आज का ये भंडारा माता शीतला का मनाया जा रहा है, जो कि हर साल इसी मोहल्ले के अंदर माता शीतला का भंडारा बनाया जाता है। तो आज भी ये भंडारा अहले मोहल्ला और धनी मंडल की जानिब से आयोजित किया गया है और आप देख रहे हैं कि मेले में माता का एक मेला लगा हुआ है और किस तरह से ये भंडारा चल रहा है। धन्यवाद। तो ये राहुल भाई थे, इनके तासुर अधीन उन्होंने बताया, तो हम आपको आगे की कवरेज दिखाते हैं। आप हमसे जुड़े रहिएगा और हमारी वीडियो को लास्ट तक, एंड तक जरूर देखिएगा। अभी बहुत कुछ हमको दिखाना है आपको, हमसे जुड़े रहे। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय माता शीतला।
YouTube चैनल के लिए बहुत सारी तालियां जो आज इस भंडारे में कवरेज कर रहे हैं और हमारे साथ इस भंडारे के अंदर जुड़े हैं, तो लता रवि चैनल को भी बहुत बहुत सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री राम। जय बजरंग बली, हर हर महादेव। आज हम डिग रोड पर आए हैं। डिग रोड पर एक माता का आप देख रहे हैं विशाल भंडारा चल रहा है, साथ साथ हमने आगे देखा रामा पीर का मंदिर भी है, तो आपको मंदिर भी दिखाएंगे। अंदर से रामा पीर का मंदिर है ये, और ये डिग रोड में वाकई में बहुत अच्छे मंदिर है। तो आइए आप इनको, हम आपको इनके भी रामा पीर के मंदिर के भी दर्शन कराते हैं। हमारे साथ चले। बहुत खूबसूरत मंदिर है ये, आप देख सकते हैं इसमें महादेव शंकर की भी छवि नज़र आ रही है हमें, और भोलेनाथ भी यहाँ विराजमान है, और सब कुछ है यहाँ। बहुत सही तस्वीरें बहुत खूबसूरत लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं घंटी बजाऊंगा दर्शन करने के लिए। बोलो रामा पीर की जय, महादेव शंकर भोलेनाथ की, और सत्यनारायण भगवान भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भगवान भी मौजूद हैं यहाँ, महादेव शंकर भी, और शिवलिंग के भी आप दर्शन करें। अति सुंदर शिवलिंग है, और ये माता रानी की भी आप दर्शन करें। बहुत खूबसूरत मंदिर है, आप देखते हैं साक्षात रामा पीर, पीरान पीर दस्तगीर रामा पीर, और महादेव शंकर भोलेनाथ लक्ष्मी नारायण। बहुत अच्छा मंदिर बना है, ऊपर से भी थोड़ा हम दिखाएंगे आपको, देखें बहुत खूबसूरत है। बड़ा एंटिक्स वर्क किया गया है इसके अंदर, बहुत अच्छी तरीके से ग्लास का वर्क किया गया है, शीशों से इसको सजाया गया है मंदिर को, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छी सारी तस्वीरें भी बहुत अच्छी इन्होंने लगाई हैं वॉल पे। आप देख सकते हैं कि ये जो है सरस्वती माता की विग्रह है, माता शेरावाली की विग्रह है,
और ये महाकाली की भी विग्रह आप देखेंगे और ये कृष्ण भगवान का भी आप देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ हनुमान जी भी मौजूद है, और ये सदगुरुदेव महर्षि नोल साहेब की भी और भोलेनाथ जी सबका मालिक है, शिरडी वाले साईनाथ बाबा जी भी यहाँ मौजूद है, गणपति गणेश महाराज और कार्तिक स्वामी की भी तस्वीर बहुत ही अच्छी है, और ये देख सकते हैं आप ये भी बहुत लक्ष्मी नारायण भगवान की भी बहुत अच्छी विग्रह है यहाँ पर तस्वीर लगाई हुई है। तो ये मंदिर में सब देव देवताओं की स्थापना की गई है, बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर में। हम आपको वापस लेके चलते हैं भंडारे की तरफ, दिखाते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ, हमसे जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं कि भंडारे में विशेष बहुत ज़्यादा रश है, और आपको दिखा रहे हैं कि ये सब चीज़ें आप देखते रहे कितना रश है और बहुत ज़्यादा, और माता की महिमा भी चल रही है आगे, तो आपको वो भी दिखाते हैं कि इस तरीके से भजन कीर्तन हो रहे हैं। चले हमारे साथ चलते रहें। जय श्री राम।
जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। आपने जो देखी परफॉर्मेंस, नेहा और मंशा, ये हमारी दो बेटियां हैं जिन्होंने भी परफॉर्मेंस की। हम इनसे पूछते हैं कि ये इवेंट के लिए इन्होंने कब से तैयारी शुरू की थी, बताइए बेटा, कब से तैयारी शुरू की थी आपने? इनको बहुत अच्छा लगा। आप ये भी दो हैं जो परफॉर्म कर रहे थे, बच्चे बहुत प्यारी है परफॉर्मेंस की इन्होंने, तो इनसे भी तासुरात लेंगे कि कैसा लगा इनको भी परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा लगा, हम तो करते रहते हैं माता की महिमा में, और जो भी है माता की माता जैसे कर सकते हैं, जान वही डालने वाली है, हम तो कुछ भी नहीं है, बस वो करवाने वाली है। और लता रवि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। तो ये थे हमारे बच्चे जिन्होंने भी आपको दिखाई परफॉर्मेंस। अब आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे, अभी और भी कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, दिखाते हैं आपको। जय श्री राम। हमारे साथ एक गुड़िया मौजूद है, माला इनका नाम है, और हम आ जाए शीतला माता के भंडारे की विशाल कवरेज करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा विशाल भंडारा है, बहुत लोग मौजूद हैं यहाँ, और बहुत अच्छी तरीके से भजन भी चल रहे हैं, और आपने देखा इसके अंदर गेटअप भी दिखाया गया। तो ये माला हमारे साथ बेटी हमारी मौजूद है, तो इनसे पूछेंगे कि ये इवेंट्स किस तरीके से सजता है हर साल इसी तरीके से, तो थोड़ा सा इनसे पूछते हैं कैसा है ये इवेंट्स को देख रहे हैं, और किस तरीके से चलेगा और किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी बोलो साचे दरबार की जय, शीतला माता की जय। और मैं बताना चाहूँगी इस भंडारे के बारे में कि हम सब ने मिलकर, धनी मंडल सेवा समाज ने मिलकर इस भंडारे को सजाया और बहुत मेहनत से सजाया है, और माता रानी की अजीम कृपा है धनी मंडल पर, और हमेशा बनी रहे जो हर साल इसी तरह भंडारा सजाए। और हम शुक्र करते हैं माता रानी का कि हमें हर साल ये सेवा का मौका दें, जो हम हर साल इस भंडारे को सफल करें, और माता रानी सबकी रक्षा करें, और जो सब लोग आए हैं उनका हम सबसे पहले शुक्रगुजार करते हैं कि हमारे साथ है जो लोग मौजूद, और जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनका सबका हम धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। लता रवि यूट्यूब चैनल, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आगे से आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा ये भंडारा, हमारा विशाल शीतला माता का भंडारा धनी मंडल की जानिब से किया जा रहा है, वो तमाम लोग देख सके और हमें सपोर्ट कर सके, धन्यवाद। तो ये थी माला हमारे साथ, अभी देखें आगे दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है, जुड़े रहे हमसे। जय श्री राम। विशाल भंडारा चल रहा है माता का, जागरण नहीं है तकरीबन, इतना खूबसूरत तरीके से अंदाज से ये चल रहा है। और हमारे साथ बेटी हमारी एक मौजूद है सिमरन, तो इनसे हम तासुरात लेंगे इस भंडारे के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी को जय माता दी, जय बाबा की। मेरा नाम सिमरन है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं यहाँ शीतला माता का विशाल भंडारा हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मना रहे हैं, और ये भंडारा पूरे एले मोहल्ला ने, एले मोहल्ला की जितनी भी लेडीज है, एक एक घर घर जाकर जितना उनसे हो सका चंदा जमा किया, माता रानी की महिमा बताई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट किया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितना भंडारे में रश है। इस भंडारे ने एक विशाल मेले का रूप धारण कर लिया है, माता रानी की कृपा है, हम धनी मंडल का हिस्सा है, धनी मंडल एले मोहल्ला से ये भंडारा हो रहा है, धनी मंडल हमारी बाबा का मंदिर, शीतला माता का मंदिर की देखभाल करती है, बाबा का भंडारा हो चाहे माता का भंडारा हो, किसी चीज में कभी पीछे नहीं है। माता रानी की छोटी सी कथा सुनाना चाहूंगी, शीतला माता की छोटी सी कथा है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि राक्षस हर बार अवतार लेते हैं अपने भक्तों को, माता के भक्तों को तंग करने के लिए। तो एक जरासुर नामी राक्षस था, उसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा था, लोगों को परेशान करना, तकलीफें देना, उनको बीमारियां देना। उस वक्त माता अम्बे जगदम्बे ने शीतला माता का रूप लिया था, जो शीतलता प्रदान करने वाली, यानी कि सुकून शांति, उन्होंने वो रूप लिया और अपने हर एक भक्तों को उस प्रभाव से मुक्त करवाया, और जरासुर राक्षस नामी का वध करवाया। बोलो शीतला माता की जय हो। जी आप सब लता रवि यूट्यूब चैनल की जानिब से उनके ये
विशाल भंडारे का आनंद ले रहे हैं। इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे से आगे बढ़ाएं, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच जय माता दी जय बाबा की। क्योंकि लता जी फुल एंजॉय करती है आज के प्रोग्राम में, वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, मगर हम आपको दिखा रहे हैं कि विशाल भंडारा चल रहा है, हमारे साथ जुड़े रहे। जय श्री राम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ अली महाराज मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे कराची के माने और जाने हुए महाराज हैं। तो इनसे हम आज के इस विशाल भंडारे के बारे में थोड़े से तासुरात लेंगे। हम आज यहाँ डिगरोड में मौजूद हैं और माता शीतला का यहाँ भरपूर विशाल भंडारा चल रहा है, तो इसकी कवरेज के लिए हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ डिगरोड में। और महाराज जी से हम पूछते हैं कि कैसा ये इवेंट, किस तरीके से ये यहाँ पे लोगों की अपने आप की मदद से करते हैं या मोहल्ले की कमेटी है कोई, ये टाउन किस तरीके से, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्राउड भी है यहाँ। तो देखिए आप पूछते हैं अली महाराज से, तो जय श्री राम महाराज जी बताइए आप। ओम नमो भगवते वासुदेव, श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण तलेकाल, नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः, नमो भक्ति विद्या नित्याय परसम तमः। ये माता रानी का अमूल्य भंडारा है जो बड़े दिल और तबोतोक से जो है यहाँ की धनी मंडल मिलके करती है, और इस मोहल्ले की जद्दोजहद एकता पर निर्धारित ये भंडारा है जिसमें चार चांद लगे हैं और बड़ी दूर दूर से पब्लिक आए और ये अपनी पॉकेट मनी से करते हैं और कुछ श्रद्धांजलि दान पुण्य करते हैं। तो ये बड़े भाग्य की बात है और इस मोहल्ले की इन धनी मंडल की काविशों का नतीजा है जो ये हर साल अपनी अथा शक्ति से अपनी पॉकेट मनी से इस महान भंडारों का आयोजन करते हैं। और इसी बीच में डिगरोड के एक महान संत सोहेल भाई जाजोड मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ के बहुत अच्छे भक्त हैं और मसानगढ़ शिव संतोष मंदिर के सेवादारी हैं। चंद शब्द जो है हमारे शाह भाई बोलेंगे। बोले शीतला मात के जय। ओम शीतलाय तवम माता, शीतलाय तवम पिता, शीतलाय तवम जगधात्रे, शीतलाय नमो नमः। आज जो ये भव्य भंडारा आप सभी भक्तों के सामने ये जो धनी मंडल की ओर से रखा गया है, सबसे पहले तो धनी मंडल का जयकारा होना चाहिए, उन्हीं की वजह से आप सारे संतों के एक साथ दर्शन हो पा रहे हैं। तो माता रानी का जागरण भंडारा, सभी लोग अपने अपने तौर से अपने अपने चंदे से कोई जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, कोई थोड़ा कोई बड़ा करता ही करता है। ख़ास तौर पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि शीतला माता किसी एक कुल की एक किसी एक जाति की नहीं, शीतला माता तमाम संसार की माता है, सबकी कुल देवी है। तो सभी लोग हर इलाके में माता का जागरण, माता की महिमा, माता का भंडारा करते हैं। आज जो ये विशाल भंडारा डिगरोड वासी और धनी मंडल जो अहले मोहल्ला पीएफ है उनकी ओर से रखा गया है, माता रानी सब पर अपनी दया बरसाती रहे, सबकी मनोकामना को पूरी रखे। देवी के भंडारे में, देवी की पूजा में आमतौर से ठंडा भोजन प्रसाद अर्पण किया जाता है, इसलिए देवी ठंडाई की माता भी कहलाती है, ठंडाई वाली भी कहलाती है। देवी की महिमा अपार है, बहुत बड़ी कथा है, बहुत बड़े उनके पर्चे हैं। बस माता का जय जयकार आज कर सकते हैं, आज समय कम है, तो सब भक्त बोलिए बोलिए की जय हो। और इस मंच पर मौजूद और दिगर तमाम ममालिक और एंटायर सिटी ऑफ पाकिस्तान, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि लता रवि यूट्यूब चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और माता रानी की जय जयकार करें। जय माँ जगदम्बे अष्ट भवानी। अली महाराज गोहर शाह भाई डिगरोड से बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी जो है अली महाराज जी हमारे मासा भी हैं और आपने सुने इनके तासुरात, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। आज हमारे साथ मौजूद है रतन भाई, रमेश भाई। जिस जागरण में जाते हो, जागरण की शान और आन है, इंगलाज माता के दर पे जाते हैं वहाँ भी जागरण जगा देते हैं, ये लोगों को सोने नहीं देते हैं। और हमारे रमेश भाई और माता के बारे में और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने भजन गाए हैं और हम भी इनको सुनते हैं, बहुत अच्छे भजन हैं इनके। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हमारे बीच बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी मौजूद है, हमारे रमेश भाई जिनके खुद के वॉल्यूम भी है। रमेश भाई आप कुछ दर्शाएंगे? यार इनका प्रेम इतना है कि बस हम और इनका बड़ा प्रेम है, हम कहीं भी बैठते हैं और कहीं भी जाते हैं ये हमें बड़े लाइक करते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट एक जो है ना किसी चीज़ से लालच नहीं रखता है, वो उसको सिर्फ जो लालच होती है ना एक प्रेम की, एक मोहब्बत की, वो इनके लिए बहुत होती है और इनकी बड़ा प्रेम होता है हमारे साथ, हमारे हौसला अफजाई करते हैं।
और हम तो अभी सीख ही रहे हैं, और कुछ अगर हम शब्द बोल देते हैं हमारी माता के भी लिए जागरण पे आए हुए, घना घना करिया रे मारा काज, मारी तोने केम भूलू, मारी रख ले रख ले रे मारी लाज, मारी तोने केम भूलू। माता रानी का कितना भी हम गुणगान करें हमारे लिए कम है, और इनका बड़ा एहसान है। और मैं भजन छोटा सा बोलता हूँ, तू कबल का फूल मैं शरण की दूँ, करता रहूँ भजन तेरा शेरा वाली माँ, जोता वाली माँ। बोलो शीतला माता की जय। भाई हर साल की तरह यहाँ जागरण विशाल होता है, और हम इनकी मोहब्बत में, यहाँ बहन भाइयों की मोहब्बत में दौड़े चले आते हैं। जब भी हम आते हैं हमें बड़ा प्रेम मिलता है, और विशाल जागरण करते रहते हैं। मैया रानी इनको बहुत दे, और इस चैनल को मैं नमस्ते कहता हूँ, और बहुत प्यारा चैनल है, आप लोग लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, और ये बहुत अच्छे इंसान हैं, हर जगह पे पहुँचते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। देखिए हम तो कदरदानों के कदरदान हैं, और दूसरी बात ये कि हमारे सिंगरों को जो ये लोग पजीराई देते हैं, शायद हमारी इतनी हैसियत भी नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ हमेशा शाना परेशाना रहते हैं। साक्षात माता इनके गले में सरस्वती माता का वास है। मैं तो ये देखता हूँ कि इनके जागरण जो होते हैं वाकई कमाल के होते हैं। लता रवि यूट्यूब चैनल आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, और इनकी जय हो, इनके माता पिता की, इनके गुरुजनों की, मैं इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। क्या बात है आपकी। लता रवि यूट्यूब चैनल हम जरूर हम भी सब्सक्राइब करेंगे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ, हमारे आज होनियार, होनियार क्या कहेंगे, बस जगा जागते रहना, इनका काम है जगा के रखना सबको, और ये इलाज माता पे तो मैं इनको सुनता रहा हूँ हमेशा, तो बहुत आनंद मिलता है मुझे वहाँ सेवा में हम जाते हैं। तो ये हकीकत बात है। अब बताने वाला मेला फिर माता के वहाँ चलेंगे, तो इंगलाज जाऊँ मैया को मनाऊँ, प्यारे भक्तों चलो 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 इंगलाज, माँ के प्यारो चलो 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 इंगलाज। बोलो माता इंगलाज की जय।
बजरंग बली हर हर महादेव। जैसा कि आपने देखा शीतला माता का विशाल भंडारा बहुत अच्छे तरीके से प्रवचन तरीके से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आयोजित किया गया और बहुत आनंद आया हमें यहाँ के। और अब हमने जित कवरेज की है आप लोग ज़रूर देखिएगा हमारे चैनल को, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर किया करें आप लोग, आप लोग के कमेंट्स और लाइक का हमें इंतज़ार रहता है। और ख़ासतौर पर आज लता जी को भी आना था, लता जी हमारे साथ नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमारी धर्मपत्नी साथ होती तो हमारे एक अलग से शक्ति होती है इवेंट्स की कवरेज की, तो आज हम अकेले आए और आके हमने अभी कवर किया है। तो आप लोग देखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो जुड़े रहिएगा, जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव।